अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर मिलियनेयर, ये हैं अमर ऋतिक पॉपकॉर्न स्टूडियोज। ये लोगो देख लें, इनका चलाते हैं क्या, ये कोवर्किंग स्पेस है। कब शुरू की थी आपने? 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। कितने पैसे थे जेब में? हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो थी। हम लोगों ने सर्विसेज में प्रोवाइड की। पहले मेरा सॉफ्टवेयर हाउस था, उसमें हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की और फिर सब प्रोजेक्ट्स किए। इस तरह हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए। जब प्रोजेक्ट्स किए, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके फिर हम लोगों ने एक अपना ऑफिस सेटअप किया। और जब ऑफिस हम लोगों ने सेटअप किया, उसमें 12 सीट थी, हम लोग की 6 की टीम थी, बाकी 6 सीट हम लोगों ने रेंट आउट कर दी, किराए पे दे दी। तो वहाँ से कोवर्किंग का मॉडल हम लोगों ने फिर शेयर किया और फिर उसको एक्सपैंड करते करते अब 7 ब्रांचेज हैं। 7 ब्रांचेज हो गया। अब मैं आपको टूर देने वाला हूँ। आपने कोवर्किंग स्पेस वाला बिजनेस मॉडल तो सीख लिया यार, एक किराए पे जगह लेते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, उस पर इंटरनेट कॉफी शॉफी मीटिंग रूम बाथरूम्स वगैरह और तगड़ी डेकोरेशन देते हैं, और एक एक जो सीट होती है उसके हिसाब से पैसे लेते जाते हैं, प्लस छोटे छोटे मिनी ऑफिसेस। मिनी ऑफिसेस भी बड़ी कंपनीज आ जाती है, उनको एक कॉर्पोरेट ऑफिस और 10, 12, 50 के इतना कॉर्पोरेट ऑफिस हम लोगों ने बनाए। माशाल्लाह। अब ये जब कहते हैं ना 7, ये टेक्निकली है बहुत ज्यादा, लेकिन ये इन 3 स्टोरीज को एक मान रहे हैं। यस, तो मैं तो इसको मैं कई मानू। सो व्हाट ही हैज डन, जो सबसे निचली वाली है वो एक पूरी की पूरी कंपनी को दे दी, ठीक, सारी वो जो उसकी सर्विसेज है इन्होंने प्रोवाइड करनी है, किराया इन्होंने मालिक से तय कर लिया। दूसरी वाली जो लेवल आप थोड़ी देर के बाद देखोगे, तीसरी पे में हम वैसे भी हैं। सो फॉलो मी एंड आई विल शो यू, इसका हल्का फुल्का वो टूर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। थीम देखो, इंस्पायर हो जाओ, मे बी आपने अपने ऑफिस डेकोरेट करने इसी तरह। ओके, सो आप देंगे मैं देता हूँ, चले आप अपनी जगह आ जाए। अच्छा, मिलियनेयर रिजॉर्ट तो ये बिल्कुल खाली लग रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ वर्किंग स्पेस। मुझे चिल्लाने की थोड़ी सी इजाजत मिली, वैसे मांगी कोई नहीं, इनको बाद में सॉरी कर दूंगा। ये एक्चुअली ऑफिसेज मैं अंदर से देख चुका हूँ, चालू हैं, मिनी सारे ऑफिसेज हैं, किसी से एक से इजाजत मांगनी पड़ेगी दिखाने के लिए। ओके, सो लेट्स गिव देम अ नॉक। ऑफिस शूट करना फिर से। सिस्टर बस फिर से दिखा दे। सो आप देख लें अंदर, यहाँ पे मिनी सी फ्यूचर बिलियनर कंपनी बैठी हुई है, लेकिन सादगी से इनका सेटअप है। इधर देख लें, स्किल्स टू डू इनका लोगो है, और 4 बंदों की टीम तगड़ी सी बैठी हुई है, सीईओ शीओ सारे अंदर है। ओके, एक्चुअली बिल्ड योर ओन ऑफिस है, बिल्ड योर ओन ऑफिस। और इसमें थीम, ये जो थीम है ये कंपनी खुद सेलेक्ट करती है कि उनको किस तरह कलर थीम चाहिए, किस तरह की अरेंजमेंट चाहिए, किस तरह का लेआउट चाहिए और किस तरह की अंदर ब्रांडिंग चाहिए, हम उसी तरह कस्टमाइज करते हैं। ये कितने स्क्वायर फुट होगा? ये 80 स्क्वायर फुट। 80 स्क्वायर फुट, ठीक है, समझ लें। वहाँ से जब भी आपने कोई कोवर्किंग स्पेस लेनी है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, उसके हिसाब से देने। ये भी है अंदर, भाईजान ट्यूशन पर आ रहे हैं, आगे हैं, वो भी कोई क्लास लाइव कर रहे हैं, इन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, इन्होंने कुछ और किया हुआ है, वो हाली है। वो पीछे जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है कुर्सियों का, वो रात को जिंदा हो जाता है, रात को, क्योंकि ये 24 आवर्स खुली हुई है फैसिलिटी। तो ये रात को क्या होता है कि अपना यहाँ पे कॉल सेंटर चालू हो जाता है, रात को चलता है, क्योंकि वो फॉरन मार्केट को सर्व कर रहे हैं। वो हो गया, ये जो दरमियान वाली जगह इन्होंने इवेंट्स के लिए, छोटी मोटी इवेंट्स के लिए किराए पे दी हुई है। ऊपर मजे की एक चीज है तो इनका एक्सपेरिमेंट, वो आपने जापानी देखे होंगे होटल्स, वो जी 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट पे सो लो, तो वो इन्होंने 4 मंगवाई हुई हैं, आ भी रही हैं जापान से, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है, कोविड की वजह से डिले है, कोविड की वजह से ना थोड़ी डिले है। लेकिन वो ये है कि अगर बंदा ज्यादा नखरे वाला है, उसको पावर नैप चाहिए, तो अंदर जाके सुकून से सो सकता है, वो एयर कंडीशन है वगैरह वगैरह, वहां से लेकर वहां तक। अब मौके आपने देखने, ये नहीं आपने बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाना कि भाई मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। बड़ी कंपनी आई है, तगड़ी कंपनी आई है, उनको 12 से 16 बंदे बिठाने थे, उनको वो छोटे छोटे कैबिन्स नहीं चाहिए थे, तो वहाँ से लेकर तोड़ तक एक ही कंपनी ने उठाया हुआ है। वो अलहदा से किराया दे रहे हैं, ये अलहदा से किराया दे रहे हैं, हॉल अलहदा से पैसे कमा रहा है, वो अलहदा से कमा रहा है। पॉट्स की कोई चार्जिंग होगी? वो उसके, अगर आपको सिर्फ पॉट चाहिए, अगर आप प्रीमियम पैकेज हम लोग के लिए, वो उसमें फ्री है। अच्छा, पैकेजेस भी हैं प्रीमियम में, फिर हॉट डेस्क है और फिर डे पासेज हैं, उनमें आपको चार्ज करना पड़ता है। इसका कुछ कॉस्टिंग बता दो थोड़ी सी। 1500 वो प्रीमियम में है, फिर 10,000 है वो हॉट डेस्क है, और फिर 1,000 पर डे है। डेली रेट भी लेते हैं, 24 आवर्स है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप मोबाइल एप्लीकेशन चेक इन करके अंदर आते हैं। आर्ली हम लोग देते हैं 300 आवर्स पर मंथ होते हैं प्रीमियम में, ठीक, 300 आवर आप मंथ में जितना मर्जी यूज़ करें, 24 आवर्स ओपन है, आप सुबह आए शाम को आए, आपने आवर्स राउंड कर रहे हैं बस, आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 9 to 5 की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही, लोकेशन आप, हाँ, मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, आप 7 लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं हम लोग की, आपको मीटिंग इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, कहीं भी जाइए, आप ऐप चेक इन करें और हम लोग की लोकेशन से। ये तो साथ हुए जो भाई खुद मैनेज करते हैं। अब भाई ने ना फटाफट रातों रात 30, 40, 50 खोले हैं, अकल इनकी क्या काम की,
ये छोटे मोटे जो चेन्स होते हैं ना कॉफी वाले, उनके साथ डील लगा लेते हैं। उनको क्या करना है कि भाई मैं इनसे ना पकड़ रहा हूँ, आई डोंट नो, मे बी 10,000 महीने का मैं पकड़ रहा हूँ, आपकी सीटें हैं ना खाली है ना हर वक्त, और 24 आवर्स तो नहीं, जो भी उनका टाइम है उसमें बड़ी तो नहीं है ना, हमारे बच्चों को वहाँ पे बैठने दे। हमारे वो बच्चे जिन्होंने हमसे मेंबरशिप लिया है आपको कार्ड दिखाएंगे, मे बी ड्रिंक्स पे थोड़ा डिस्काउंट होगा, 20% हम लोग ड्रिंक्स पे डिस्काउंट, 15,000 हम सीट का चार्ज कर रहे हैं, उसमें 10,000 कॉफी शॉप का और 5,000 लोगों का मार्केटिंग बजट। जबरदस्त हो गया, कॉफी को बनी बनाई इनकम मिल गई, इनकम मिल गई। और देखें आप 30 डेज किसी ने बैठना है, बहुत ही होगा तो 5 या 6 दिन मंथ में कॉफी पिएगा, तो एक वो रेवेन्यू, और फिर उसके साथ जो मीटिंग करने आ रहा है या कोई उसका दोस्त आ रहा है तो उसका कोई ड्रिंक या कोई भी डिजर्ट लेगा, तो एक उसका रेवेन्यू अलग जनरेट कर रहा है, और बंदे का तगड़ा सा ऑफिस भी बन गया। और आपको पता है कॉफी शॉप तगड़ी लोकेशंस में भी होते हैं, और दूसरा कॉफी शॉप को ये चाहिए होता है कि उसकी सीट्स फुल हो, जब भी कोई बाहर से गुजरेगा जब वो अंदर रश नजर आएगा वो ऑटोमेटिकली कोई नया क्लाइंट आ जाता है, तो जब 10 लोग ऑलरेडी हम लोग के बैठे होंगे तो उसका बाकी सिस्टम भी चलने लग जाएगा। जेम्स खान है, पाकिस्तानी है, लाहौर से है, 100 million+ pounds की उन्होंने अपनी कंपनी बेची थी, उस कंपनी का नाम मुझे बकिंगचम हैम्पशायर इस तरह कोई नाम था, पुराना किस्म का वो रिक्रूटिंग कंपनी थी। उनके मुंह से मैंने खुद सुना है कि वो पॉल मॉलिक तगड़ी सी सड़क है, जिस तरह यहाँ पे गुलबर्ग की हो गई या दूसरी तीसरी जिस तरह होती हैं शहराए होती हैं, शहराए फैसल हो गया, इस तरह लंदन में एक स्ट्रीट है, उन्होंने एक कबर्ड, ये तो फिर भी आपको यार ये डिमने से क्या होते हैं ऑफिसर्स, इनमें क्या है, मजाक है, मजाक नहीं है। उस बंदे ने क्या किया, उसको पता तगड़ा चाहिए था, मेरे कार्ड में देखिए मेरा ऑफिस यार पॉल मॉल में है, ठीक है, ये इनकी वैसी स्टोरेज है, अभी ये किराए पे नहीं चढ़ी, लेकिन सोच रहे यार कबर्ड जिसपे यार मप्स रखे जाते हैं, बाड़ियाँ रखी जाती हैं, क्लीनिंग का चाहिए, उसने कहा यार वो मुझे दे दो, और बकौल उसके अगर दरवाज़ा खुला हो, यानी दो बंदे के बैठने की जगह नहीं होती थी, तो वो क्या करता था, उसने डेस्क डाला हुआ, और डेस्क भी शायद वो टपक के आते थे, सॉरी मेरे से बड़े हैं कहते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, वो यूके के एक ड्रैगन भी खिलाए जाते हैं, ही वॉज रियली, यानी हमें हौसला उनसे मिलता है कि यार पाकिस्तानी बंदा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है टीवी पे। एनीवे तो वो क्या करते थे, जैसे ही कोई क्लाइंट आता था कहते नहीं यार ऊपर सारी जो है ना रूम्स बिजी है, मैं आपको कैफे में बिठा देता हूँ। सो ये करना पड़ता है इनिशियली कोई भी बिजनेस चलाने के लिए। अब मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, फॉलो मी, देख लो कितने मजे की डेकोरेशन है, कलरफुल है, इंस्पिरेशनल है, ब्रांडिंग मैंने की नहीं है अपनी चीज़ों पर, मैं करना शुरू कर दूंगा, बट इन्होंने टेबल तक ब्रांड किए हुए हैं। ओके, सो यू टॉक्ड अबाउट कॉफी फैसिलिटी, वो मैंने देखी नहीं है। हम लोग वो ऑफिस बॉय सर्व करते हैं हम लोग। अच्छा, कोविड की वजह से हम लोगों ने किचन बंद कर दिए। ठीक है, तो हम लिफ्ट भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये तगड़ा लोकेशन है, हम सीढ़ियां ले जाएंगे, एंड वी विल सी यू डाउनस्टेयर्स इंशाल्लाह। अच्छा, तो जनाबो वॉच दिस, ये मुझे अच्छी चीज लगी थी जी, ये एक्चुअली क्यू आर कोड है, हम लोग ये मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें क्यू आर कोड स्कैनर है, वो अटेंडेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, हो गया। फिर डिस्क्लेमर जी, कि अगर आप स्कैन नहीं करते तो आपको फाइन है, और ये तगड़ी वाली चीज़ है, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि जो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके कोई मुलाजम है, यहाँ पे कोई फ्रॉड आके कोई एक बंदा डेस्क वाला कर देता है, ये छोटी कंपनी कर देती है, मीटिंग रूम यूज़ करते हैं, हाँ, और इनके पीछे लग जाएंगे भाई, सुन उन्होंने लिखा हुआ कि भाई हम इनको सिर्फ जगह किराए पे देते हैं। ओके, दाखिल हुए, वो कॉफ़ी का जिक्र हुआ था, ठीक है, तो कॉफ़ी वगैरह वहाँ पे बनती है, भाईजान बनाते हैं, देन यू कम इन दिस रियली नाइस कॉर्पोरेट लुकिंग जगह। ओके, ऊपर थी फन थी, उसकी थीम थी, यहाँ पे कॉर्पोरेट है, सुधरे हुए बंदे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी डेस्क है, किसी को कैजुअली बैठना है, किसी को फॉर्मली बैठना है, शेयर्ड स्पेस है, फिर ये प्राइवेट ऑफिसेज है, ये प्राइवेट ऑफिसेज है, 3 to 4 persons का private office है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सिस्टर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सो देख लें, ये वो खुद डेकोरेट करते हैं, ये नहीं, ये रेडी होता है, ये ग्लास वाली हो गई दरमियान में प्राइवेसी के लिए, ये फिल्म सी हो गई, फिर ये एक प्राइवेट ऑफिस है, ये भी बुक है, ठीक है, ये 6 persons का, 6 persons का, वो कितने का था, 4, तो बस आप भी अगर आपको यूटिलाइज करनी है तो ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपको सेटअप करनी है तो आप भी छोटे छोटे रख सकते हैं, वो मीटिंग उनको डिस्टर्ब नहीं करते, बट समझ लो एक कॉन्फ्रेंस टेबल पड़ा हुआ है, वो भी उससे भी रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है, आप सिर्फ वो किराए पे दे दो, लोगों ने मीटिंग करनी है यहाँ पे आगे मीटिंग करनी है, कॉफी शॉफी इज इंक्लूडेड। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आ जाए। ओके, सो टेबल सिंपल, 7 बंदों की फैसिलिटी है, ठीक है, सो विद एन एसी, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर एलसीडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दे गेट सर्व्ड टी एंड कॉफी, ठीक है, तो मैंने झूठ नहीं बोला, दैट्स गुड, लेट्स गो, डेकोरेशन देख लो, जाना पड़ता है वो
जो भी होता है लंडा बाजार चाइनी बाजार वहाँ से उठाना पड़ता है. नथिंग रॉन्ग विद लंडा बाजार. भाई ने जब रेडी लगाई थी लंडा बाजार में लगी थी. ओके सो दैट्स वेयर माय फाउंडेशंस आर. एनीबॉडी लाफ एट मी उसको जूती उतार के मारूंगा. डेकोरेशंस रियली रियली नाइस मॉडर्न है. बंदों को सबको मैंने अपोलोजाइज कर दिया था शुरू से. अच्छा अगेन जिस तरह ऊपर था एक साइड पूरी किराए पर चढ़ी थी. यहाँ पे कंपनी आई है उसको जगह चाहिए तगड़ा लोकेशन चाहिए. पूरी की पूरी उन्होंने ले ली. अंदर किसी किस्म की ट्रेडिंग करते हैं ट्रेनिंग करते हैं. ठीक हो गया. चार्जिंग पॉट्स हम लोगों ने रेडी किया स्पॉन्सर्ड बाय जहाज. तो ये चार्जिंग स्पॉट्स ऐसे देते हैं. जबरदस्त. यस. कोई अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की आपने नहीं छोड़नी. आप किराया दे रहे हो. इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. सो रिमेंबर जीरो से शुरू होने वाला बंदा सेवन इस किस्म के वो कोवर्किंग स्पेसेस कर रहा है प्लस दैट एक्सपेंशन इनटू 30-40. और इस किस्म की अगर कहीं ना कहीं यार ये इन्होंने खुद ईजाद किया. नो अजरों से चलता आ रहा है. जैसे मेजर कंपनी एक तो होगी ना अमेरिका की रीजस हो गई ठीक है. और वी वर्क तो भाई फेल होने वाली है. वो समझाऊंगा क्यों. ठीक है वो एम ई बातें थी ज्यादा. ठीक है बट रीजस फेल नहीं होती. उनके पास हजारों लोकेशंस हैं दुनिया में है बड़े से लेके एक सिंगल सीट तक. ओके तो जितने ज्यादा ये खोलते जाएंगे उसमें क्या होगा कि जो चलते हुए सेल्समैन होते हैं फर्ज करिए एक दिन यहाँ पे बैठे लाहौर में बैठे कल उन्होंने उनको ऑफिस चाहिए इस्लामाबाद में उनके इस्लामाबाद के ऑफिस में बैठ जाएंगे. वही कार्ड वही QR कोड यहाँ पे लगाया वहाँ पे दरवाजा खुल जाएगा. बट आई वुड पर्सनली थिंक यार एक जगह पे बहुत सारे खोलना इज बेटर रादर देन यानी लाहौर इतना बड़ा है. लाहौर में हम लोग के 4 लोकेशंस हैं. मेजर 4 लोकेशंस कवर कर रहे हैं. तो जब कराची में जाते हैं तो एक्चुअली हम लोग के पास कंपनीज वो हैं जैसे फूड पांडा है ये ऐसा सिविल है और ऐसा ही कंपनी है. इन्होंने जब दूसरे शहरों में जाना है तो वो एक ही कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. पॉपकॉर्न सिटी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस्लामाबाद फैसलाबाद कराची लाहौर. तो हम लोग का ये फायदा गुड हो गया जी. राइट ओके मैंने इसका जिक्र कर दिया. देयर एक्चुअली क्वाइट बिजी क्योंकि वो कॉल शॉल ले रहे थे तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा. That concludes our tour. That concludes our business model. That concludes Amar ka time. Sure. हम क्या बाथरूम से खा रहे हैं. नहीं मैं मजाक कर रहे हैं. But obviously ज़रूरत है. And the end. Thank you very much Amar. Okay. हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. Thank you जी.